ऑक्शन के लिए ऐसा बहुत सारा खिलाड़ी है जो कि बाहर आ गया है। आप सभी लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर टीम चार खिलाड़ी को रिटेन करके ज्यादातर खिलाड़ी को बाहर छोड़ दिया है, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो कि कौन कौन सा खिलाड़ी रिटेन हुआ है तो वो आप इस वीडियो पर देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी के बारे में, जो जो खिलाड़ी इस ऑक्शन में, जो मेगा ऑक्शन होने वाला है ना, वहां पर सबसे ज्यादा दामों से जाएगा, जो कि अनकैप्ड होगा वो सब खिलाड़ी, मतलब उनके पास इंडियन टीम का कैप नहीं रहेगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन खिलाड़ी की ही बात करूंगा, जो जो खिलाड़ी लगभग 10 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, मतलब ऐसा अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकता है जो जो खिलाड़ी की अपना कम एज में ही ना बहुत ज्यादा पैसे लेकर करोड़पति बन जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, 5 खिलाड़ी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो एकदम 5 नंबर से शुरू करेंगे, 1 नंबर तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए शेयर तो नहीं करेगा कोई भी, मुझे पता है, सब्सक्राइब तो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो और किसी चैनल पर मिल सकता है लेकिन मेरे चैनल पर भी मिलता है, तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। और लाइक कर दीजिए, कोई भी टारगेट नहीं रखूंगा, जो जो आप वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिए। देखिए डिसलाइक का तो बटन ही उठा दिया है, मतलब बटन है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा ना, वो बेसिकली एक अनकैप्ड पेस बॉलर है, ठीक है, उसका नाम है कार्तिक त्यागी। ये खिलाड़ी बेसिकली राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता था और बहुत ही बढ़िया पेस बॉलर है, ठीक है, मतलब युवा खिलाड़ी, अकेले के दम पर बंदा एक मैच जिताया था राजस्थान रॉयल्स के लिए 2021 के आईपीएल में, अगर आप सभी लोगों को पता हो तो आई थिंक पता होगा। तो उस खिलाड़ी के ऊपर कोई भी टीम जा सकता है, क्योंकि देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये सब अनकैप खिलाड़ी का मतलब जो प्राइस है वो क्यों बढ़ेगा, इसके ऊपर एक कहानी है कि आप सभी लोग अगर पढ़े हो कि सप्लाई एंड डिमांड का जो मेथड है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का नीड ज़्यादा होता है लेकिन सप्लाई कम होता है तो उस जगह पर प्राइस बढ़ता है, तो ऐसा ही सिचुएशन बेसिकली क्रिएट हुआ कि नीड ज्यादा है कि सभी टीम चाहेगा कि उसके टीम में एक इंडियन बेहतरीन पेस बॉलर हो, या फिर बता सकते हैं कोई भी पोजीशन का खिलाड़ी हो, लेकिन वहां पर ना ज्यादा खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होगा, उस पोजीशन पर जाकर रेट बढ़ेगा और वो रेट ना बहुत दूर तक भी जा सकता है, मतलब 10 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है। तो उस जगह पर कार्तिक त्यागी, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि कार्तिक त्यागी 10 करोड़ तक ही जाएगा, लेकिन बंदा अच्छा खासा पैसा ले सकता है, मतलब अनकैप खिलाड़ी है ना, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। और गति भी है बंदे के पास, मतलब कार्तिक त्यागी अगर ठीक ठाक तरीके से गेंदबाजी करे ना तो 140 तक पहुंच जाएगा, तो गति है, मतलब युवा है, इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी टीम। उसके बाद जिस खिलाड़ी का मैं नाम लेना चाहूंगा ना, वो होगा रवि बिश्नोई। ये खिलाड़ी पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहा था, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर इस रिसेंट टाइम में मैं 3 लेग स्पिनर का नाम लेना चाहूंगा ना, तो उसमें नाम आएगा नो डाउट यूजी चहल, उसके बाद नो डाउट राहुल चहर, लेकिन उसके बाद जिस खिलाड़ी का नाम आता है ना वो है रवि बिश्नोई। तो रवि बिश्नोई मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ लीजिए कि ये खिलाड़ी भी आपको दिख जाएगा कि 10 करोड़ के मतलब करीब पहुंच गया है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है ना, सभी टीम एक चाहेगा कि क्वालिटी लेग स्पिनर अपने टीम में ले, और उस पोजिशन पर इस खिलाड़ी का ना महत्व थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये था 4 नंबर पे। उसके बाद 3 नंबर के पोजिशन पे मैं रखना चाहूंगा देवदत्त पाडिकल को। देवदत्त पाडिकल एक ओपनर है, लेकिन उनके पास जो क्वालिटी है ना वो है कि वो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी सबसे ज्यादा वैरी करता है, और वो अगर इंडियन हो और इंडियन प्रीमियर लीग में हो तो भाई क्या बताएं। तो इंडियन प्रीमियर लीग में एक लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी ज्यादा नहीं है, शिखर धवन है, ईशान किशन है, बेहतरीन, जो मैं बेहतरीन ही बता रहा हूँ कि, तो उसके बाद अगर बात करें तो देवदत्त पाडिकल है, तो उनके ऊपर बहुत सारा टीम जाएगा, तो इनका भी रेट बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, संशय नहीं है, तो इनके ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी टीम। मैं अगर बात करूँ ना तो बहुत सारा ऐसा टीम है जो कि अपने टीम में एक युवा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को चाहेगा, तो उस जगह पर ये फुलफिल कर देगा। और उसके बाद आता है टॉप 2 की बारी, तो टॉप 2 में मैं दूसरे नंबर के पोजीशन पे रखना चाहूंगा राहुल त्रिपाठी को। राहुल त्रिपाठी एक ऐसे वर्सेटाइल खिलाड़ी है जो कि बेसिकली केकेआर के ओर से खेला था लास्ट का 2 ईयर, तो उस जगह पर मैं इस
खिलाड़ी को रखना चाहूंगा कि ये खिलाड़ी 10 करोड़ से भी ऊपर का खिलाड़ी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि इंडियन खिलाड़ी है, उसके साथ ये खिलाड़ी 4 नंबर पे भी खेल सकता है, 3 नंबर पे भी खेल सकता है, ओपन भी कर सकता है, 6 नंबर पे भी खेल सकता है। मतलब केकेआर इनको हर जगह पर यूज किया है और ये हर जगह पर खड़ा उतरा है। तो इस पोजीशन पर ऐसा खिलाड़ी अगर कोई भी टीम में हो तो वो यूज करेगा, और ऐसा वर्सेटाइल खिलाड़ी आप इंडियन प्रीमियर लीग में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा आपको, और मोस्ट अंडररेटेड खिलाड़ी भी है ये। तो उस जगह पर मैं राहुल त्रिपाठी को बोलूंगा कि जो कोई भी टीम चाहे कि उस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी हो तो जरूर से जरूर जाइए राहुल त्रिपाठी के ऊपर। और मैं बेसिकली पता है मुझे कि राहुल त्रिपाठी ना 10 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है। इसमें आप लोगों का क्या राय है वो जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए, और आप लोगों का अगर बताना हो कि राहुल त्रिपाठी को कौन सी टीम में आप देखना चाहेंगे तो वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद लास्टली जो अनकैप्ड खिलाड़ी का नाम आता है जो कि 1 नंबर के पोजीशन पर बैठा हुआ है वो है हमारा शाहरुख खान। मतलब वो वाला शाहरुख खान नहीं, मतलब केकेआर मतलब ओनर शाहरुख खान नहीं, ये हमारा प्लेयर शाहरुख खान है जो आप सभी लोग आई थिंक जान ही गए होंगे इसके बारे में। तो ये खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जिनका आप देखिए, मैं पहले ही बताया कि सप्लाई ऐसे खिलाड़ी का नहीं है और डिमांड ऐसे खिलाड़ी का ही ज्यादा है। तो उस पोजीशन पर शाहरुख खान आपको देखिए, पिछले बार वो आया था ऑक्शन में पहली दफा और वहां पर ही लगभग 5 करोड़ से ऊपर का प्राइस को मतलब प्राइस लेकर गया था, लेकिन इस साल उनका डिमांड और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस दिया है ना, वो अकेले के दम पर भाई तमिलनाडु को जिता कर निकल गया है, मतलब ऐसा खिलाड़ी है। तो मैं उस जगह पर देखिए बेसिकली अगर बताए कि शाहरुख खान एक बेस्ट चॉइस हो सकता है किसी भी टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए 6 नंबर के पोजीशन पे खेल देगा, 7 नंबर के पोजीशन पे खेल देगा, 5 नंबर के पोजीशन पे खेल देगा, एज ए फिनिशर का रोल अदा कर सकता है ऐसा खिलाड़ी जो कि सभी टीम चाहते हैं। तो उस पोजीशन पर शाहरुख खान बेस्ट चॉइस होगा किसी भी टीम के लिए, और शाहरुख खान के ऊपर ना बहुत सारा टीम जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि शाहरुख खान जो प्राइज मिलेगा उनको वो आई थिंक टॉप 5 आईपीएल प्राइज में गिना जाएगा, मैं आप लोगों को ये भी कंफर्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि शाहरुख खान का डिमांड बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर इंडियन टीम भी कोई भी फिनिशर के ऊपर देख रहा है ना तो वो शाहरुख खान के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है कि अगर बंदा इस आईपीएल में अच्छा कर देना तो ये डेफिनेटली इंडियन टीम में जाएगा और जगह बनाएगा अपना। तो उस पोजीशन पर आप लोगों को क्या राय है जरूर से कॉमेंट करके बताइए। और मैं बेसिकली आप लोगों को बताया कि ये 5 ही नाम होगा जो कि बेस्ट क्वालिटी लेगा, और आप लोगों के मुताबिक देखिए कोई भी प्लेयर हो सकता है जो कि अनकैप हो सकता है, जो कि आकर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। आप लोगों का अगर कोई भी नाम पता हो तो जरूर से कमेंट करें और बताइए, क्योंकि मैं जो रिसर्च किया उसके बेसिस पे मुझे ये नाम मिला, तो उसके बेसिस पे ही मैं बताया। आप लोगों का अगर कोई भी नाम याद आता है तो जरूर से बताइए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका नाम भी मैं सुनूंगा, अगर मेरा अच्छा लगे तो मैं कमेंट भी रिप्लाई देता हूँ, मैं मतलब कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई देता हूँ। तो आज के लिए बताएं कैसा वीडियो लगा तो बहुत जरूर से कमेंट करें और बताइए। तो आज के लिए बाय बाय।